यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। सूबे के कई नेता निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और ऐसे ही एक नेता हैं धनंजय सिंह, जो एक बार फिर से जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, वही बाहुबली नेता धनंजय सिंह जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि धनंजय बीएसपी के टिकट पर 2009 में चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। आपको बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी और 6 मई को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि धनंजय और उनके परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। दरअसल धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर पहुंची थी, जहां श्रीकला ने शीतला चौकिया धाम में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्रीकला ने बड़ा बयान दिया। श्रीकला ने धनंजय सिंह को लेकर कहा कि 24 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि धनंजय सिंह जेल से रिहा हो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जनता जानती है कि उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया है। किसी वजह से अगर वो जेल से बाहर नहीं आते हैं तो उनका परिवार बहुत बड़ा है, कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। लोकसभा चुनाव पर श्रीकला रेड्डी ने कहा कि चुनाव की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है और चलती रहेगी। जौनपुर की जनता को जो इतना प्रेम और इतना आशीर्वाद है, जरूर भैया बाहर आ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और आपकी सेवा में फिर से लड़ेंगे। ये तो सबको पता है कि फर्जी मुकदमा है, चुनाव से पहले ये हो जाता है। मेरे चुनाव से पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि 24 अप्रैल को वो रिहा हो जाएंगे। इतने लोग उन्हें चाह रहे हैं और हमें इमोशनल कर दिया है। पूरा जौनपुर ही नहीं, पूर्वा पूर्वांचल ही हमारा परिवार है। लोग उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय ने अपील दाखिल की है। पूर्व सांसद ने इस अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई है। धनंजय सिंह की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं श्रीकला के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर धनंजय को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। श्रीकला रेड्डी के पिता भी एमएलए रह चुके हैं और उनकी माँ का भी राजनीति से संबंध रहा है। जौनपुर सीट पर राजपूत समाज का दबदबा रहा है, इस वजह से माना जा रहा है कि धनंजय खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में ना होने पर पत्नी श्रीकला को चुनाव लड़वा सकते हैं। बहरहाल धनंजय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये 24 अप्रैल को पता चल जाएगा। अगर धनंजय सिंह को राहत मिलती है तो जौनपुर का मुकाबला रोमांचक हो जाएगा। वहीं कोर्ट से राहत ना मिलने पर श्रीकला धनंजय की राजनीतिक वारिस बनकर मैदान में उतर सकती है। लिहाजा बीजेपी के कृपा शंकर सिंह के लिए चुनौती बरकरार रहेगी और देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर में किस पार्टी की जीत होगी और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।